दोस्तों, आज गंगा दशहरा है। आज के दिन ही स्वामी सानंद जी ने माँ गंगा के लिए, माँ गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए अपने आमरण अनशन शुरू किया था और 111 दिन की तपस्या करके माँ के लिए चले गए। आज का दिन वैसे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें माँ गंगा की याद दिलाता है और हमें ये दिन बताता है कि माँ गंगा के अवतरण पर गंगा दशहरा एक उत्सव की तरह होता है, लेकिन ये उत्सव गंगा की अविरलता और निर्मलता के साथ ही मनाया जाता है। इस उत्सव का जो महत्व है वो तो गंगा की अविरलता का है और निर्मलता का है। इस बार COVID-19 ने माँ गंगा को निर्मल बनाने का काम किया है, इसलिए इस बार का गंगा दशहरा पिछले 100 सालों के गंगा दशहरा में ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि माँ की जो माँ हमारा मैला धोती थी और उसको हमने बड़े होकर अपना मैला ढोने वाला बना दिया और गंदा नाला बना दिया था, उसको COVID-19 में फिर माँ को मैला ढोने से रोककर मैला धोने वाला बनाया। धोने का मतलब होता है कि जब माँ अपने बच्चों का जो थोड़ा बहुत मैला होता है उसको धोती है, साफ करती है, स्वयं अपनी शक्ति से साफ करती है, तो वो चलता है। लेकिन जब हम जवान हो जाएं, बड़े हो जाएं और फिर उसमें अपना सब तरह का मैला धोने का काम माँ को दे दें, उद्योगों का मैला भी, सड़कों का मैला भी, सब तरह का मैला हमारी माँ ढोने लगे, तो फिर तो वो नाला बनेगी। तो दोस्तों, हमें इस बार माँ गंगा के लॉकडाउन के लिए इस सरकार से निवेदन करना चाहिए, सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि माँ गंगा की आवाज़ सुने और जैसे माँ गंगा अपनी ताकत से मैला धोने वाली बनी है, धोने वाली नहीं, सरकारों ने और समाज ने उसको मैला ढोने वाले बनाया था, लेकिन COVID-19 ने माँ को मैला ढोना रोक कर मैला धोने वाला बनाया, इसलिए माँ अब मैला ना ढोए, आगे मैला धोने वाली बनी जाए। उसके लिए अब एक नया लॉकडाउन, जो COVID-19 का लॉकडाउन था वो आज खत्म हो गया है, लेकिन माँ गंगा के लिए नया लॉकडाउन आज चाहिए, और वो लॉकडाउन हो जिसमें माँ के पेट में गंगा का अविरल निर्मल जल बहता रहे, उसमें उद्योगों का गंदा जल ना जाए, उसमें केमिकल और दूसरी चीज़ें ना मिलें और हमारी माँ स्वस्थ रहकर हमें स्वस्थ रख सके। मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारतीय आस्था पर्यावरण की रक्षा के लिए है, हमारी गंगा की आस्था भी हमारे जीवन की रक्षा के लिए है, इसलिए यदि हम अपनी गंगा की आस्था को कायम रखना चाहते हैं तो हम गंगा के लिए लॉकडाउन की सरकार से मांग करें और गंगा में उद्योगों का ना, गंदा नाला अब ना जाने दें, क्योंकि जब अब तक कितने महीने रुका रहा तो आगे भी रुका रहे। माँ केवल मनुष्यों के साथ अपने बेटे बेटियों का जैसा व्यवहार करे, वो मैला ढोने वाली मालगाड़ी ना बने। आज के दिन बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस गंगा दशहरा पर गंगा में स्नान करने वाले सभी भाइयों बहनों से, गंगा के भक्तों से, गंगा की आस्था रखने वालों से, गंगा के लिए पूजा पाठ करने वालों से, और जो पूजा पाठ नहीं करते, सच्चे सच्ची माँ की सेवा करते हैं बिना पूजा पाठ के, उन सब से मैं अपील करना चाहता हूँ कि हम सब एक होकर माँ गंगा को अविरल निर्मल बनाने के लिए संगठित हों, जिससे आज के दिन आमरण अनशन शुरू करने वाले, माँ के लिए अपने प्राण त्यागने वाले स्वामी सानंद जी, प्रोफेसर GD अग्रवाल की आत्मा को भी शांति मिलेगी और उनको लगेगा कि उनके जाने के बाद इस देश ने गंगा को भी और उनको भी
पहचाना और संभाला। दोस्तों, आज गंगा दशहरा पर हम संकल्पबद्ध हों और गंगा के लिए नया लॉकडाउन की मांग करें।